भाई ये है देखो मेरे हाथ में सुआ, मछली की पहचान के हवाले से वीडियो है। नर मादे की पहचान यार इसके जोड़ से होती है यहाँ। अच्छा तेरे दे सुए में और दूसरी मछली कौन सी आती है? दूसरा इसके डिजाइन में आता है स्वीरी होती है उसमें। और यूट्यूब में आप लोगों को किसी ने भी बताया पहचान हम आपको करा रहे मछली का। ये हमारे मोहित भाई ने निकाला है, बाकी सब मेहनत। अस्सलाम वालेकुम। सुआ मछली के बारे में आप भी जानना चाहते हैं ना? हर कोई जानना चाहता है क्योंकि भाई लाखों करोड़ों रुपए की मछली है, लेकिन मसला ये बताए कौन, कौन समझाए ये कैसे शिकार होती है, ये जाती कहाँ है, क्यों इतनी महंगी है, आखिर वजह क्या है। जो वीडियोस YouTube पे मिलती हैं वो ऑथेंटिक नहीं होती क्योंकि लोग स्लाइड्स लगाते हैं या कोई एक फिशरी में पड़ी हुई सुआ मछली की वीडियो वही घूमती रहती है, उस पर वॉइस ओवर कर देते हैं। लेकिन भाई आज की वीडियो में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हम आपकी कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं, आपकी परेशानी दूर करने वाले हैं, सुआ के बारे में ऑथेंटिक वीडियो लेकर आए। और बताएगा कौन? वो शख्स जिसने सुआ मछली का शिकार किया, वो शख्स जो सुआ मछली का काम करता है, खरीदता बेचता है। तो भाई सीन कुछ ऐसा है, बगैर टाइम जया किए चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं सुआ मछली के बारे में, सुआ मछली के शिकारी से और सुआ मछली के काम करने वाले से। माशाल्लाह से भाई बहुत भारी है, 20 से ऊपर ही लगा है। हाँ ऊपर है ये कम से कम। तो भाई ये है देखो मेरे हाथ में सुआ, मछली की पहचान के हवाले से वीडियो है ये, इसके अंदर ही हमारे हाथ में सुआ है। आज तक आपको किसी ने YouTube पे नहीं दिखाया होगा, हम दिखा रहे हैं। सुआ की पहचान देख लें, इसकी खूबसूरती, इसका कलर देख लें, गोल्डन और सिल्वर कलर में होता है ये। ये नर सुआ है हमारे हाथ, नर मादा की पहचान अभी हम आपको बताते हैं। और ये बहुत महंगी मछली है, इसका पोटा यूज़ में आता है। तो ये हमारे मुइज भाई ने मलान से पकड़ा है, तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं सुआ। आज तक किसी ने नहीं दिखाया होगा इस तरह से, आपको हम आपको दिखा रहे हैं यूट्यूब पे पहली मर्तबा, और आरिफ भाई के हेडलाइन चैनल पे भी आपको ये नज़र आएगा इंशाल्लाह। हेडलाइन फिशिंग को भी सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो फिलहाल अब दिखाते हैं कि इसकी पहचान क्या है और ये किस यूज़ में आता है। ये माशाल्लाह यार माशाल्लाह, ये देख रहे हो यूनुस भाई, इसकी पहचान क्या है मच्छी का, ज़रा ये बताओ भाई। ये इसकी ये जोड़, नर मादे की पहचान यार इसके जोड़ से होती है यहाँ। अच्छा ये जोड़ से। अच्छा तो दूसरा इसका ये निशानी है, ये ऐसे चेक करते हैं। नर है यार, नर है, नर ये नर है। अच्छा अगर नर होगा और मादी के रेट में कितना फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है। नर ज्यादा महंगा है, नर का रेट माशाल्लाह से कई गुना ज्यादा है मादी के निस्बत। अच्छा मादी अगर ये होगी तो ये जो है ना लाख रुपए का दाना भी नहीं है। अच्छा और अगर नर होगा? नर होगा तो ये 8 से 10 लाख रुपए, 8 से 10 लाख रुपए का दाना। और इसमें क्या नाम है, ये किस काम में आता है? ये बार इम्पोर्ट होता है चाइना, चाइना इम्पोर्ट होता है, कंपनी उठाती है। इसकी गोश्त की वैल्यू नहीं है, इसकी सिर्फ पोटे की अंदर की वैल्यू है। पोटे को मैंने सुना इसके धागे बनाता है, सर्जरी वगैरह में इस्तेमाल होता है। सुनने में आया कि चाइना में खाया भी जाता है, चाइना में खाया भी जाता है। माशाल्लाह से तो भाई ये सूप वगैरह कुछ निकालते हो? सूप वगैरह निकालते हैं इस तरीके से, माशाल्लाह से। माशाल्लाह भाई ये देखो, ये पकड़ा हुआ है भाई ने, मुइज भाई ने निकाला है। मुइज भाई तुम अपने हाथ में लो ना, तुमने निकाला है? हमने ले लिया, हाथ में तो दिख रहा है। ये हमारे मुइज भाई ने निकाला है, बाकी सब मेहनत है ना। इसको पकड़वाने वाले असल बंदे आरिफ भाई हैं, यूनुस भाई, यूनुस भाई सर, एक हमारे भाई राजा भाई और यासिर भाई। ये इन लोग की मेहनत है, इन लोगों के साथ गए थे हम लोग, डूंडा साथ लेके गए थे, हमारे साथ बहुत सारे हादसे हुए, पानी खत्म हुआ, डीजल खत्म हुआ। अल्लाह का शुक्र है यूनुस भाई ने डीजल भी दिया हमें, पानी भी दिया, सब कुछ दिया। बाकी सब क्रेडिट इनको, यूनुस भाई पे और इन पे जाते हैं। तो माशाल्लाह से मुइज भाई ने भाई देखो ये सुआ पकड़ा है। सुआ मछली की जो पहचान होती है ना, अगर मछली की पहचान की बात करें तो इस पे येलो येलो सा शेड आ रहा होता है, इसके पंख इस तरह के होते हैं, शेप देख लो ठीक है ना। और नर और मादा के रेट में फर्क होता है, ये देखो माशाल्लाह से। नर की बस यही पहचान है कि यहाँ से पिचकारी मारता है, नर की पहचान ये पिचकारी मारता है, और मादा पिचकारी नहीं मारता। और आप अगर कभी सुआ पकड़े तो उसको ऐसी पहचानेंगे, आप इसको देख सकते हैं कि इसकी पहचान ये है। इसका कलर थोड़ा सिल्वर सिल्वर सा होता है, जैसे गोली मुश्का होता है उससे कुछ मिलता जुलता होता है, मोटा होता है और इस तरह के कलर का होता है। तो ये जोड़ होती है और ये जोड़ इसकी पहचान है। तो ये थी सुआ मछली, और ये यूज़ होती है, इसका पोटा यूज़ होता है सर्जरी का, सर्जिकल काम में। कोई कहता है इसका सूप बनाते हैं, बहरहाल
ये थी सुआ की वीडियो, हमारे मुइज़ भाई ने पकड़ी है। कह रहे थे सुए में और दूसरी मछली कौन सी आती है? दूसरा इसके डिजाइन में आता है, स्वीरी होती है। उसमें और सुए में क्या फर्क होता है? ये शिकारियों को, सुनहरे वालों को जो है ना, इन चीज की पहचान नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे ढूंढे वालों ने स्वीरी हमारी थी 17-18 किलो की, मुझे बुलाया, बोलते सुए हमारे। अच्छा, मैंने चेक किया तो स्वीरियां थी। क्या फर्क होता है स्वीरी? वो इससे थोड़ी सी पतली भी होती है, पतली होती है, और वो सफेद कलर की होती है, इसके अंदर काला शेड गोल्डन शेड आ रहा है, इसके अंदर गोल्डन शेड नहीं होता, सफेद होती है, सफेद होता है, और उसके इस जगह पे एक काले कलर का टिक्का होता है। अच्छा, काले कलर का टिक्का, इसका मुंह गोल है, उसका मुंह लंबा होता है थोड़ा, उसका मुंह लंबा होता है, बाकी इसी डिजाइन में होती है, इसी डिजाइन में होती है। और दुम में क्या फर्क होता है? दुम इसका देख रहे हो, ये गोल है, गोल है इसकी दुम, उसका दुम ऐसा सीधा कटा हुआ होगा, इसका सीधा कटा हुआ दुम होगा उसका, एकदम सीधा। तो भाई इसकी दुम के अंदर गोलाई होगी। तो ये ओरिजिनल ये सुई की पहचान है, और दो सुई जो है वो अलग है। यानी कि अगर अलग अलग किसी शौकीन को दिखाओ तो वो नहीं पहचान सकेगा, क्योंकि मेरे पास ढूंढे वाले आए थे, उन लोगों ने 3-4 दाने निकाले थे, बोलते सुए। जब मैंने चेक किया, मैंने बोला यार, देखते के साथ ही टैंकी में उनको बोला, मैंने बोला यार ये सुरी है, उसके इधर बहुत बड़ा ये है ना काला टिक्का होता है। यूट्यूब में आप लोगों को किसी ने भी बताया पहचान, हम आपको करा रहे मच्छी का, और इंशाल्लाह मजीद भी कराएंगे। तो जनाब आपने देखा, आज हमने आपको बताया सुआ मछली के बारे में, और ये जो सुआ मछली थी, ये हमारे दोस्त हमारे भाई मुइज़ भाई ने पकड़ी थी। कहाँ से पकड़ी थी और कैसे पकड़ी थी, अब हम आपको बता देते हैं। तो भाई हुआ कुछ यूँ, मुइज़ भाई का ट्रिप था मलान का, 4 दिन का, मलान बलोचिस्तान में ये फ़िशिंग के लिए गए थे, वहाँ पर ये फ़िशिंग कर रहे थे, और 4 दिन से मुस्तकिल कोशिश कर रहे थे। उस दौरान में उन्होंने बड़ी अच्छी फ़िशिंग की, जो फ़िशिंग आप मेरे यूट्यूब चैनल कासिम 2.0 पर जाके देख सकते हैं, वहाँ पे सुआ की भी फ़िशिंग और बाकी तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो बहरहाल वहाँ 4 दिन स्टे करने के बाद इन्होंने शिकार इन्होंने की जिंदा मैया, यानी कि लाइव स्क्वाड के ऊपर। कैसे इन्होंने आगे हुक के ऊपर जिंदा मैया को बॉटम में दिया, लगाया, पीछे जो है वजन था, आगे कांटा था, 120 LBS की डोर थी, इसको तारू डोर कहते हैं। इस डोर के ऊपर इन्होंने पकड़ा, सुबह सुबह फजर के वक्त पकड़ा। तो भाई ये तरीक़ेकार था जिसके ज़रिए पकड़ा, और इसी तरीक़ेकार से डोर पे सुआ मछली पकड़ी जाती है। जाल वाला जो सिस्टम है वो अलग है, वो आपके और हमारे बस की बात नहीं, वैसे ये भी हमारे और आपके बस की बात नहीं, थोड़ी सी मेहनत और कोशिश की और लगन की ज़रूरत है सुआ मछली पकड़ने के लिए। अच्छा, ये जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको दी, अगर आपको पूरी वीडियो चाहिए कि ये लोग कैसे गए, क्या करा, कैसे शिकार किया, तो जाके मेरे YouTube चैनल पर चेक कर सकते हैं, कासिम 2.0 पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ, इस बात के साथ कि दुरूद शरीफ आप पढ़ेंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे, और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करेंगे। अपना ख्याल रखेंगे, अल्लाह हाफिज़।